हेलो बच्चों, आज हम क्लास वन की स्टोरी पढ़ेंगे, द बबल द स्ट्रो एंड द सू। लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। सुनो और इस कहानी का आनंद लो। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए बबल ए स्ट्रो एंड ए सू। एक समय की बात है, एक बार एक बबल स्ट्रो और सू तीनों एक साथ रहते थे। वन डे दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट। एक दिन वे जंगल में गए। दे केम टू ए रिवर। वे नदी पर आए। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। उन्हें नहीं पता था इसे कैसे पार किया जाए। द सू सेड, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। सू ने कहा, जूते ने कहा, बबल आप हम आपके ऊपर, लेट अस फ्लोट ऑन यू, तुम तैरो। नो शू, शू ने कहा नहीं। नो, बबल ने कहा नो शू, नहीं शू। लेट स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। ये जो है स्ट्रो अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलाएगा। Then we can cross the river. फिर हम नदी को पार कर सकते हैं। So the stroke stretched himself from one bank to the other. इसलिए स्ट्रो ने अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलाया। When the shoe jumped on the straw, it broke. जब सू ने स्ट्रो के ऊपर जंप किया तो वह टूट गया। The shoe क्या टूट गया? स्ट्रो टूट गई। द सू फेल इन टू द वॉटर विद ए लाउड स्प्लैश। सू जो है एक जोर की आवाज़ के साथ पानी में डूब गया, पानी में गिर गया। द बबल सुक एंड सुक विद ए लाफ्टर एंड ब्रश्ड विद ए बिग बैंग। और बबल हंसते हंसते जोर से जोर जोर से हिल रहा था और फिर बिंग बैंग की आवाज़ से फूट गया। न्यू वर्ड्स देखते हैं इसमें। बैंक, बैंक मतलब किनारा। बबल बुलबुला। ब्रस्ट फूटना। क्रॉस पार करना। रिवर नदी। सूज जूते। स्प्लैश एक आवाज़ होती है स्प्लैश की, डूबने की। लेट अस रीड। आई कैन ब्लो बबल्स। मैं बबल बना सकता हूँ। आई कैन वियर शूज। मैं शूज पहन सकता हूँ। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।